अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ अकबर हसन ते तुसी वेखदे पे यूट्यूब चैनल अकबर हसन ऑफिशियल। इस वक्त मैं ककड़ाणी विच मौजूद हाँ ते कब्रिस्तान आया हूँ फैतखानी करन। ते बड़े दिन हो गए हैं इत्थे मैं मतलब कब्रिस्तान ना आ सकै, इस वास्ते मेरा दिल कीता भाई उदे फैतखानी अज मतलब मैं कर रहा। बड़े दिनों बाद में मेरा चक्कर लगा ते इस वक्त मैं मौजूद ककड़ाणी विच मौजूद हाँ। पिछे तुसी वेख सकते हो सारा ककड़ाणी दा माहौल। तो ये ककड़ाणी शहर तो हट के कब्रिस्तान है जरौलत ककड़ाणी के दरमियान हे मौजा ककड़ाणी। हाँ सारिया जी कबर तुम सामने नज़र आ रही है साड़िया है। तो बाकी तुस वेख सकते हो ककड़ाणिया का माहौल। हाँ सामने बड़ा वड्डा टिब्बा हा जेड़ा हुण खत्म हो गया, बहुत थोड़ा जिहा बाकी है। तो सामने वो ज्वालों वाली रोड बनता रहा, उस वास्ते मिट्टी चाहते बदन पता नहीं तुम करेन नजर आ सी जना से। तो इत मिट्टी चाहती पाई जो थोड़ा बच्चा पिया वह भी चाहिए पैसे। इस तु इलावा इतने एक मशहूर जमाना दरबार है बाबा मियाँ साहब का, वो तुम कभी जियारत करा सी है। तो फिलहाल तुम वेख सकते हो बाबा मियाँ साहब का मतलब ककड़ाणिया का माहौल। तो ककड़ाणिया शहर हर सैड तो पै पा आ सामने तुम ककड़ाणी शहर नज़र आ रही है। इस तो इलावा सैड तो जरोला मतलब असी एक दूसरे के हमसाए हैं दोस्तों। हाँ आली सड़क वह पे चक मगले दे वही साढ़े नाल ही गाँव है एक। तो इस इलावा अनार का नज़ारा साढ़ी नवी सड़क बनती पी काम स्टार्ट है अन करीब इंशाल्लाह मुकम्मल हो वैसे बस साइकिलिंग का मजा अस। दोस्तों 6 किलोमीटर की साइकिलिंग करने बाद इस वक्त मैं मौजूद हाँ चौहाला वाले अड्डे से। ये तुम वेख सकते हो पीछे फ्रूट वाले मतलब जूस वाला कॉर्नर बने हुआ केले का जूस साइकिलिंग के बाद मस्ट। तुम वर्जिश वगैरह करो तो केले का जूस जरूर पीना। तो आने मदीना बर्गर पॉइंट मैं अक्सर मतलब इन्हों को जूस वगैरह या बर्गर कभी तो मैं इतने ज्यादा कभी नहीं खाते लेकिन जूस इन्हों को मैं पीना। हाँ साढ़े छोटे भाई ये ओनर हैं मतलब एक बिजनेस अपना कर रहे हैं। बड़े बेहतरीन मतलब टेस्ट वगैरह होता है चौहाल अड्डे से। इस अलावा साढ़ा करीबी तरीन अड्डा है हर शायद मतलब इतनी जरूरत ही मिल सकती। दोस्तों शाम का टाइम है तो सूरज तकरीबन गरूब होने वाला। लास्ट टाइम नार टूर करने का बड़ा मजा आता जेड़े आ परिंदे इन्हों की खूबसूरत बोलियाँ। तो मौसम एक तो खुशगवार होता, दूसरा माहौल बेहतरीन ठंडा ठंडा। सारा तो मैं ज़्यादा पसंद दरख्त तो परिंदे की खूबसूरत बोलियाँ जेड़ी जात होवे उस जात बाद मेरा रुकना बनता। इस तो इलावा तुम हूँ सामने पीटर चलिया वो खट खट ही सुन सकते हो एक बेहतरीन जड़ा है ना खूबसूरत अंसर है देहाती माहौल है पीटर है। हूँ ये तकरीबन खत्म होने वाले ज़्यादातर सोलर प्लेटा वाले काम आ गए तो बिजली वाले जी मोटर लगी हुई हैं। दोस्तों रात मैंने मिला एक बंदा वो मैंने पिया के अकबर हसन तेरे कण ना साइकिल चलावना तो ही नहीं मगन वो किस कण जेने तैन मोटरसाइकिल सफ़र करना चाहिए तेरे स्टेटस ते मैच नहीं करें। मैं कह मेरे कण साइकिल चलावन तो ही नहीं बल्कि मैंने उसते बड़े मतलब फायदे हैं एक तो सेहत बन दी दूसरा पेट्रोल का खर्चा कोई नहीं। तो दोस्तों साइड मुआशरे चमूमन ना साइकिल चलावन अज के दौरे गुरबत निशानी समझा पाता कोई बंदा साइकिल तो वह प्यो बहना असं जानते हैं वही बेचारा कोई गरीब है या इस तरह ना। तो लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए तरक्की याफ्ता ममालिक साइकिल लोग बड़े शौक न चलाते हैं
क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की अहमियत का पता है। अगर तुम साइकिलिंग करें तो बहुत सारी बीमारियों तो बच सकते हो, जिस तरह ब्लड प्रैशर, शुगर, कैंसर, हार्ट पेशेंट अगर तुम मतलब नहीं बन सकते अगर तुम साइकिलिंग करें दो। तो जदीद रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना तुम तकरीबन अद्धा घंटा साइकिलिंग करनी चाहिए, जो मतलब साइंटिस्ट या डॉक्टर आते हैं हूँ जदीद रिसर्च के मुताबिक अद्धा घंटा तुम साइकिलिंग करे सो तुम्हारी सेहत बहाल रह सी, बहुत सारी बीमारियां तुम बचे रह सो। तो इस तुम इलावा होर मतलब बहुत सारे फायदे हैं, तुम्हारी बचत है, पेट्रोल का खर्चा जो अजकल तुम वेद पे हो कि गया खाला उस तुम बच सकते हो। तो 7-8 किलोमीटर कान तो कोई मुश्किल नहीं, बंदा आराम नाल साइकिलिंग कर सकता। तो एक तो सेहत बहार आती, दूसरा बचत बहुत ज़्यादा है। तो इस नाल आज का व्लॉग करें एंड, उम्मीद है तुम्हें आज का व्लॉग आया उसे पसंद, अपनी राय का इजहार कमेंट ही करे तो साढ़े चैनल में इंशाल्लाह तुम सब्सक्राइब करे सो उम्मीद है। तो अगर नहीं किया तो कर छोड़ो, मिलसा इंशाल्लाह नवे व्लॉग नाल, अल्लाह निगेबान।